भाई प्रीति जी कहाँ जा रहे हैं इतना सारा सामान लेकर? Hey guys, हम जा रहे हैं इंडिया। Yeah, I'm so happy. कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? हम जा तो सिर्फ 10 दिन के लिए रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो यार, हम लोगों का सामान हमेशा इतना ज्यादा हो जाता है ना। हम दोनों के ऑफिस के लैपटॉप्स हैं और बहुत सारा अदर सामान है, फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं और हम जा रहे हैं इंडिया। हम कर रहे हैं घर लॉक। फाइनली हो गया घर लॉक, जा रहे हैं अब हम। चेन इतनी लंबी है ना, ये बड़ी इरिटेटिंग लगती है। हमने कर दिया है घर लॉक और धीरे धीरे कर रहे हैं लगेज अपने लिफ्ट के अंदर सेटल। और ये देखिए, अब हम सेटल हो गए, हमने बाहर निकाले लगेज। एक बहुत ही हमारे हेल्पफुल भैया है यहाँ पे, उन्होंने हमारी हेल्प की इतनी बड़ी बड़ी लगेजेस ले जाने के लिए बाहर तक। बहुत ही स्वीट है हमारे यहाँ पे सब लोग, बहुत हेल्पफुल हैं। तो ये देखिए, ये हम कर रहे हैं सारा सामान गाड़ी में सेट। ओके, हो गया। हाँ हाँ, डन, थैंक यू मेरे भाई। हाँ भाई, हमारा सामान भी हो गया है। ये वाला लास्ट में रख देंगे भैया, इसमें लैपटॉप है, ये वाला रख देते हैं इससे पहले। हाँ, जबरदस्त चल जाएगा भाई। अब हो गया हमारा बिल्कुल सेट, ये चला जाएगा आगे। मिला करें और फटाफट खैरियत से जाएं, खैरियत से आएं, खैरियत से जाएं, खैरियत से जाएं। जोर से बोलो जय माता दी। हेलो भैया। ओके, हेलो, कैसे हैं आप? मैं तो आपको ड्रॉप करके हाय बोलूंगा। अच्छा, ड्रॉप करके हाय बोलूंगा, लेने भी आ जाना, हम 10 दिन में आ भी रहेगा। अच्छा, दुबई में ना ये बहुत अच्छी चीज है कि सब लोगों को बहुत ही अच्छी हिंदी आती है, उर्दू और उर्दू आती है, और आपको कोई कम्युनिकेशन डिफरेंस होगा ही नहीं, आपको फील ही नहीं आएगा कि आप यू नो बात नहीं कर सकते किसी से, लहजा नहीं, लहजे में नहीं बोल सकते, लैंग्वेज पे इशू है। ये बहुत अच्छी चीज है। कितने मिनट पहुँच रहे हम लोग? कितने मिनट में पहुँच रहे भाई जान? 15-20 मिनट। ओके, हम पहुंच रहे हैं 15 मिनट में। मैं अपने एक बार इस पर भी देख लेती हूँ कितने दिन में। तो चलिए, हम आपको दिखाते हैं अपने घर से एयरपोर्ट का रास्ता। ये देखिए, ये अमेजिंग सी बिल्डिंग है जो दो बिल्डिंग के बीच में कनेक्शन बना रखा है। इधर अभी हमारा फ्रेम भी आएगा जो कि दुबई फ्रेम है। हम एकदम सेंटर ऑफ दुबई में रहते हैं तो सब कुछ बहुत बहुत नियर है। ये देखिए दुबई फ्रेम, बहुत ही अमेजिंग जगह है, मस्ट गो प्लेस है अगर आप दुबई आते हैं तो। एक दिन हम अंदर जाएंगे और अंदर से भी आपको इसका रिव्यू करके बताएंगे, बट अभी मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं, क्योंकि मेरी एंड मोमेंट पे व्लॉगिंग हमेशा हमेशा ऑन रहती है। बहुत ही ग्रीनरी है, कहते हैं दुबई डेजर्ट है बट स्टिल काफ़ी काफ़ी ग्रीन है। सामने जो वो पिरामिड शेप की बिल्डिंग है, दैट्स अ हेल्थ केयर सिटी। ये देखिए, ये हेल्थ केयर सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारी हेल्थ केयर सिटी, सारे ऑलमोस्ट डॉक्टर्स भी यहीं पे रहते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है। दुबई की कंस्ट्रक्शन इज़ बहुत, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। ये देखिए अमेजिंग सी जो पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है, वो भी कितनी अच्छी लग रही है। हमारे घर से एयरपोर्ट का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 15 या 16 मिनट्स का है, तो हमने कोशिश की है कि जितना भी कैप्चर कर सकते हैं आप लोगों के लिए रास्ता वो करें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं अगर हम अपना व्यू दिखाएँ या रास्ता दिखाएँ अपना। ये देखिए, मेट्रो स्टेशन है दुबई का, देखिए कितना अमेजिंग सा बना हुआ है राउंड, और दुबई मेट्रो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती है। ये हम मुड़ेंगे अब एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए और उसकी पार्किंग के लिए, और वाओ, ये है हमारा एयरपोर्ट का रास्ता, बहुत ही ब्यूटीफुल बना रखा है। ग्रीनरी को बहुत ध्यान में रखते हैं, ब्यूटिफिकेशन को बहुत ध्यान में रखते हैं, डिस्पाइट डेजर्ट, इतना सन है, इतनी धूप है, 50 डिग्रीज टेम्परेचर होता है, बट स्टिल ये लोग बहुत ज़्यादा सुंदर बना के रखते हैं। और ये है हमारा एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। ये देखिए दुबई एयरपोर्ट, ये देखिए टर्मिनल 1, अमेजिंग सा। और कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, वाओ अमेजिंग। हम पहुँच गए हैं टर्मिनल 1। रवीश इतने सारा सामान उतरवा रहे थे, वो लेके आए हैं मेरे लिए ट्रॉली, मैंने रखा है फटाफट अपना सामान, और वो भैया को पैसे दे रहे थे तो मैं लेके आई हूँ सेकेंड ट्रॉली ताकि हम अपना सारा सामान फिट कर सकें। वैसे तो 4 ही लगेजेस हैं हमारे, ज़्यादा कुछ सामान है नहीं। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं कि कैसा है। सेट हो गया आपका लगेज? यस।
चलें फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं फाइनली। फाइनली स्टार्ट दी जर्नी। हेलो तो बोल दीजिए इधर देखकर। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। शुक्र भाई। प्रीति हमें कहाँ जाना है? हमें जाना कहाँ है? चेक करते हैं, चेक इन कराते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। ओके। बहुत सारी भीड़ है यार यहाँ पे, जबकि वीकडे की हमारी फ्लाइट है तब भी इतनी भीड़ है। भाई मैं तो बस वेट कर रहा था कि ये हमारे वाला जो पोर्शन होता है जर्नी का कब खत्म हो, कब मैं फ्लाइट में बैठूं। बस अभी चलता रहेगा, इतनी से एक घंटे और ही है। पहले ये चेक इन, फिर इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, फाइनली फिर फूड कोर्ट पहुंचेंगे। फाइनली काफी भीड़ लग रही है यार एयरपोर्ट पे हमें। पानी पियेंगे आप? मैं आपको खोल के देता हूँ। नेक्स्ट नंबर इज आवर्स। चलो भाई लकी हो गए, अब हम फाइनली हमारी लॉटरी लगने वाली है ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट नंबर बस हमारा ही आने वाला है। तो भाई रख दी हमने अपने बैग, वेट आ गया हमारा 42, कितना होना चाहिए था, 60? 35, 70 होना चाहिए था। 42 में हमारा काम हो गया है, बहुत ही बढ़िया, बच गए हम लोग। लगेजेस हमारे सेट है, तीन ही हैं बस हमारे, बाकी बस मुझे अपने आप को प्लेन के अंदर डालना है बस। रवीश यहाँ पे फ्लाइट कैप्चर कर रहे हैं, एमिरेट्स की कोई फ्लाइट लैंड हो रही थी और बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, बहुत ही क्लोज थी। वो कर रहे हैं कैप्चर पूरा एयरपोर्ट और मैं एज़ यूजुअल बिजी ऑन द फोन, क्योंकि घर से बहुत कॉल आ रहे थे कि बोर्डिंग करी या नहीं की। तो प्रीति जी आपका चेक इन तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक इन डन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिक्योरिटी चेक, क्योंकि हमारे पास है दो लैपटॉप्स और हमारा होगा सिक्योरिटी चेक, वो है स्मार्ट चेक इन। अगर आप वन टाइम दुबई आ चुके हैं और आपको दोबारा आप कर रहे हैं तो स्मार्ट चेक इन हम आपको दिखाते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट वे। इमिग्रेशन पे ना? इमिग्रेशन पे। राइट, लेट्स गो। हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है एंड वेलकम टू यू ड्यूटी फ्री। अमेजिंग, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट T1 का ड्यूटी फ्री है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ देखना है, तो बहुत बड़ा ड्यूटी फ्री है यहाँ पे। ये देखिए ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स हैं यहाँ पे, जैसे हुगो बॉस है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। इस टाइम पे हमारा थोड़ा सा माइक ख़राब हो गया था इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखिए इतनी सारी ड्रिंक्स की शॉप्स हैं, अगर आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ ड्रिंक्स लेके जाना है, कुछ गिफ्टिंग करना है, तो बहुत बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे बियर की, वाइन की और उसकी। गिफ्ट्स लेने हैं तो गिफ्ट्स ऑफ दुबई करके एक शॉप है, आप वहाँ से ज़रूर गिफ्ट्स ले सकते हैं। आगे हमने उनका वो बनाया भी है। देन नाइकी है, एडिडास है, आई थिंक सारे ही आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। देखिए मॉक का डिस्प्ले भी हो रखा था यहाँ पे, ये मैं आपको बोल रही थी बॉस है, तो ये देखिए बॉस का एक आउटलेट भी है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग सा। रविश ने थोड़ा सा जाके एक्सप्लोर भी किया इसको। उसके बाद टूमी का आउटलेट है, बहुत सारे अलग अलग आउटलेट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे इनका फूड कोर्ट है। रवीश को एकदम खुशबू आ रही थी और वो खाने की तरफ खींचे चले जा रहे थे। ये नाइकी का आउटलेट है हमारा। बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है गिफ्टिंग के लिए, अगर आपको कुछ बच्चों के लिए चाहिए तो बहुत टॉयज़ भी हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ओ माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग लगता है यार यहाँ पे आके। कितनी भी रात हो रही हो, एयरपोर्ट हमेशा बिजी रहता है और ऐसा लगता है अभी दिन ही है। वाओ, क्या फूड कोर्ट है यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे है गाइस T1 के। भाई किचन के अंदर तो आपको पिज्जा मिल रहा है, बर्गर्स मिल रहा है, फ्रेश सैलेड मिल रहा है। बाकी आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या है। इसका नहीं बनाया, इसका बना लेते हैं। पर नूडल हाउस काफी अच्छा लग रहा है, नूडल हाउस। चलो आ जा, वो तो मुझे लाउंज लग रही है। हाँ उस तरफ ना, ये लाउंज में ना बहुत ही बोरिंग खाना होता है, हम 5-6 बार ट्राई कर चुके हैं। ऑल्दो हमारे कार्ड्स पे फ्री लाउंज एक्सेस है, बट हम चाहते ही नहीं, हम जाना ही नहीं चाहते, बहुत ही बोरिंग हो जाते हैं लाउंज एरिया सीरियसली। वैसे वो लाउंज के चक्कर लगाए, अच्छा ये सेंटर में ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है सारा, हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी बन रहा हो। मैकडॉनल्ड्स है सबसे पहला, हर जगह जो अवेलेबल है और मिल जाता है आपको। मैक कैफे भी है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स भी है कुछ खास। मैक्रोन खाने हैं? मैं खा सकती हूँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, I'm very hungry. Right. आओ आगे चलते हैं। I think आगे KFC है प्रीति। आपको KFC खाने? बिल्कुल भी नहीं। I wish मुझे सब्वे मिल जाए। ओह, कुछ रैप्स लग रहे हैं वहाँ पे। देखो, दिख रहे हैं वहाँ पे रैप्स? यहाँ पे भी देखो, फोटो बनी हुई है रैप्स की।
अगर ऐसी रैक्स मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, दैट वुड बी नाइस। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। ये मसाले प्रीति टेस्ट ऑफ इंडिया, साथ में हाइनिकन भी मिल रही है, गुड, कुछ तो इंडियन लग रहा है। एग्जैक्टली केएफसी आ गया आपका, क्रिस्पी क्रीम आ गया, ओके क्रिस्पी क्रीम आ गया आपका। द ड्राफ्ट हाउस एंड स्पोर्ट्स बार और कैंटीन है वो, ये देखो जिराफ अच्छा लग रहा है, ऑल डे फ्रेंडली डाइनिंग मेन्यू, जरा चेकआउट करते हैं इसका, दैट वुड बी नाइस, ऑल डे डाइनिंग है। आइए जरा मेन्यू चेकआउट करें जिराफ का, सर्व्ड ऑल डे एवरी डे, एग्स है, सब कुछ है, ऑमलेट्स हैं, स्टार्टर्स भी हैं, बर्गर्स भी हैं। देखते हैं कुछ और भी जगह चेकआउट करते हैं, थैंक यू, वेरी नाइस। बाकी वो तो लाउंज है नीचे है, बाकी रविश कुछ भी नहीं और यहाँ पे। अच्छा खत्म हो जाता है ये, ये लाउंज है और नीचे लाउंज है, तो एक बार लाउंज भी चेक कर ले, आ जाए भाई प्रीति जी। मैं तो मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाया, मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने भी मैकडॉनल्ड्स पे खाया यार, यहाँ पे और कहीं पे कुछ इतना होता नहीं है। मैकडॉनल्ड्स का हमेशा ट्रस्ट मोस्ट ट्रस्टवर्दी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अरे मैकडॉनल्ड्स की यही बात है, आपको हर लोकेशन पे मेरे को हल्के से सुवेनियर्स दिखाने हैं सबको। मेरी मैकडॉनल्ड्स की बात तो बताने, सो सॉरी आप बताइए। यही की हर लोकेशन पे वर्ल्ड ओवर आपको सेम टेस्ट और क्वालिटी का खाना मिल जाएगा, आई थिंक फेमिलैरिटी इज द की। चले अब आप सोवेनियर दिखाएं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाओ ये कितनी अमेजिंग है रविश, देखो हां सुंदर तो है, लेना है क्या? नहीं ओके, पहले काफी सोवेनियर ले चुके हैं हम, बहुत सोवेनियर्स और हम बहुत दुबई वाली डेयरी मिल्क, हां दुबई वाली डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क दुबई, मिल्का दुबई, वाह भाई वाह यार। डेट्स यहाँ से आए तो जरूर लेके जाएं प्लीज, अगर आपको वहां पे नहीं मिलते हैं तो एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। देखिए फ्रेश डेट्स भी हैं यहाँ पे, वाओ वाओ फ्रेश डेट्स देखिए कितने अच्छे हैं, और ये कोटेड भी है, डेट्स हैं, कोटेड डेट्स हैं, अमेजिंग है, ब्यूटीफुल। और मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के बुर्ज खलीफा दिखाता हूँ। अभी हमने बहुत सारे डेट्स ले चुके हैं, ये देखिए सिल्वर में, रोज गोल्ड में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है बुर्ज खलीफा। मतलब आप सोवेनियर्स अगर लेना भूल गए हैं तो आप एयरपोर्ट से आके ले सकते हैं सब। हाँ आई थिंक मैं आपको अलादीन का लैंप भी दिखा सकता हूँ, आइए मेरे साथ, थैंक यू, वाओ। वे प्रीति ये तो आपके जैसा टी सेट है, ये टी सेट, कावा सेट, यहाँ पे अलादीन के लैंप भी होंगे शायद, आई थिंक सो होंगे, लेकिन लगते बड़े सुंदर है यार ये, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो रहे पीछे अलादीन के लैंप, वो देखिए, देखिए नहीं वो रहे यस, ये हमारे घर में भी हम लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब गए थे ऐसे ऐसे करें और फिर पूछे कि आपको कौन सी तीन विश चाहिए, आपकी कौन सी होती है प्रीति पहली विश, आप ही कौन सी होती पहली विश? आई डोंट नो, शायद मेरी तो होती कि मेरी कोई भी विश खत्म, मेरी सारी विशेस में से कोई भी विश खत्म ना हो, मैं तो पहले से बाकी तो बाद में सोचती हूं। स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। चलिए बहुत बड़ी सोविनियर की शॉप है, आपको शीशा भी मिल जाएगा। ओह वाह क्या लग रहा हूं मैं, लेट्स गो।
हमने लिए हैं बहुत अमेजिंग अमेजिंग कप्स। रविश क्या लिया हमने भाई? हमने लिए दो अपने लिए सिरेमिक कप्स दुबई वाले, तुमने देखा था उनकी वीडियो ली थी? हाँ ली थी। और उसके बाद मैंने लिए एक टिन कप अपने फादर के लिए, और हमारे जो रियांश है और हमारे जो नीस एंड नेफ्यू हैं उनके लिए हमने छोटे छोटे प्लास्टिक वाले दुबई के कप्स लिए। बट आई थिंक दुबई यहाँ पे आए हो और शॉपिंग ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सीरियस? ओह माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग। ये गेट हमारा है D19, आई थिंक अब हमें उसकी तरफ चलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 7:45 हो रहे हैं। एग्जैक्टली, आ जाओ चलते हैं फटाफट। स्ट्रेट जाना है ना हमें? स्ट्रेट ही जाना है, आ जाइए अब चलना चाहिए हमें। फिर अब नो स्टॉपिंग नो वेयर। ऊपर फूड कोर्ट था, यहाँ से हम आए हैं, ये नीचे है। एक्सचेंज भी है रवीश, देखो यहाँ पे मनी करेंसी एक्सचेंज। राइट। अगर आपको अपने होम कंट्री जाना और करेंसी एक्सचेंज करानी है तो फार्मेसी भी है। मैं इटली से फार्मास्यूटिकल अपने खुद के लेके चलती हूँ साथ में। रविश इसको तो भाई गेट्स तो हमें दिखने शुरू हो गए हैं अब, मेरे सामने गेट्स। ओ 14 है, आगे 15। अच्छी बात है, इतने भी दूर नहीं है। मुझे टर्मिनल 1 इसीलिए पसंद है क्योंकि आसपास ही रहता है सब कुछ, बहुत दूर दूर नहीं है। रविश एकदम बात सही कह रहे हैं। और यहाँ है कोई अमेजिंग सी वाइन की शॉप, ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। अमेजिंग सी, अनफॉर्चुनेटली मैं रविश दोनों ही ड्रिंक नहीं करते हैं। और वैसे फॉर्चुनेटली बोलना चाहिए ना, फॉर्चुनेटली कि हम दोनों ही ड्रिंक नहीं करते हैं। चलिए मैं आई थिंक हमें स्काई वॉक पकड़ लेनी चाहिए, दैट वुड बी अ गुड आईडिया। 19 है आगे। अच्छा यहां सारे अच्छे ब्रांड्स भी है, लग्जरी ब्रांड्स भी है, टिफनी है, बर्बरी है, हमने देखा ही नहीं है। वेरी नाइस। बट चलिए मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेने चाहिए, हो सकता है लोगों को। जाके बाद बहुत सारे कैश आ जाएगा तब पूछेंगे प्रीति जी। रविश हमेशा उस तरफ से जाना चाहिए था तो हमें सारे लग्जरी ब्रांड्स भी नजर आते। चलना अब छोड़ो। फाइनली स्काई वॉक पे आ गए हैं। फाइनली ये D14 है, अब आप मेरी वीडियो ले सकते हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे लोग खड़े हैं। बस फाइनल पड़ाव पे आ गए, अब बस फ्लाइट बोर्ड हो जाए और हम आराम से पहुंच जाए, यही दुआ रहती है। देखो हमने बच्चों के लिए कितने क्यूट कप्स लिए हैं। वन पिंक फॉर माय नीस एंड ब्लू फॉर माय नेफ्यू, सो क्यूट ना, दे विल लव इट। बाकी एक अपने डैड इन लॉ के लिए लिया, दैट आई विल शो यू लेटर। हमारी ना बोर्डिंग की वो आ गई है, अनाउंसमेंट आ गई है। बस आई एम जस्ट पुटिंग दिस इन दी लगेज सो दैट हमें दो बैग्स ना कैरी करने पड़े, जस्ट वन मिनट जी। अब तो हमारी बोर्डिंग हो रही है, फाइनली हम पहुंच गए अपने एयरक्राफ्ट में, आइए फाइनली। अरे भाई गिव द स्मॉलर वन टू मी। कोई बात नहीं, आज हमारी किस्मत में लिखा है इससे भिड़ना। देखिए यार दो बैग्स है, एक इंडिया पहुंचते ही मैं इसको लात मार के साइड में करूंगा। ऐसे कैसे? ओह अभी न्यू बैग है, मुझे ऑफिस से मिला था। हाँ बड़ा ही अच्छा बैग है, इतना कंफर्टेबल है, मैं क्या बताऊं, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल। एंड लेट मी टेल यू, फ्लाइट इज़ एब्सोल्युटली फुल, क्योंकि जबकि वीकडे की फ्लाइट है और तब भी फ्लाइट एकदम फुल है। ओहो सॉरी 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 दीदी जी, ध्यान से आइएगा, क्या हुआ? कुछ दिख तो रहा है नहीं, पता नहीं, मैं बाहर के लोग वीडियो ले रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा हो गया, इधर से पूरा कवर था। सीरियसली? हाँ बस ये दिख रहा है एक। फाइनली फाइनली। हेलो गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई थिंक द लास्ट सीट ऑन दिस साइड, दिस साइड। और ये देखिए मैं विंडो से आपको टेक ऑफ दिखाती हूँ, कितना अमेजिंग लगता है। प्लेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी जब वो फ्लाइंग के लिए रेडी हो गया था,
और हमें बहुत ही स्टमक में जी फोर्स लग रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड वी वर एनी हाउ वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। तो फाइनली हम अपनी सीट पे हो गए हैं सेटल और हमारा प्लेन जो है टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। रवीश का बहुत ही अच्छा आइडिया था कि हम अपना टेक ऑफ रिकॉर्ड करें ताकि आप अच्छे से देख पाए कि कैसे हम लोग कैसे लगता है रात को टेक ऑफ करना, और जब वहाँ पे लैंड करेंगे तो भी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग हमने बनाई है उसका मैं अलग से आपको पार्ट टू में दिखाऊंगी। तो फाइनली हम टेक ऑफ कर चुके हैं और ये देखिए, ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल लगता है ना ये व्यू जब हम ऊपर होते हैं। प्लीज़ वेट कीजिए हमारे पार्ट टू वीडियो का। सी यू सून। ओके गाइज, बाय, सी यू सून।